नमस्कार दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, आज बहुत कुछ कहना है। सलवार मूवी देखकर आलो स्टेरिंग प्र टॉस श्रुति पे हंसो एंड पृथ्वीराज डायरेक्टेड बाय प्रशांत पेबिल। अब देखो, दुनिया का जैसे सबसे बड़ा झूठ होता है कि बेबी मैं ऊपर ऊपर से ही करूंगा, वैसे ही दुनिया का एक और सबसे बड़ा सच है कि सिर्फ ट्रेलर देख के फिल्म को मत जज करो कि अगर ट्रेलर अच्छा है तो फिल्म भी अच्छी होगी। एनीवे, सलवार मूवी को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग को लगेगी तीन चीजें। पहला है टॉर्च, ये फिल्म है अंधेरी नगरी का राजा, बजे तो बाजा नहीं तो बेच के खाचा, क्योंकि पूरे फिल्म को आपको टॉर्च मार के देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि फिल्म इतना डार्क में इसलिए रखा है ताकि आप प्रभास का एक्सप्रेशन नोटिस ना कर पाओ। दूसरा है आई ड्रॉप, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ऐसी है कि आपको बार-बार आंखों में आई ड्रॉप डालना पड़ेगा। तीसरा है दिमाग, जो आपको घर पे छोड़कर आना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपका दिमाग 24 घंटा घर पे ही रहता है तभी आप सलार देखने आगे उठ। जैसे कि 4 महीने पहले मैंने कहा था कि सलार उग्राम का रीमेक है, तो गाइस मेरी बातें झूठ निकल गई आज फाइनली, बिकॉज सलार सीज फायर इज अ चीप फायर एंड द फ्यूज वर्जन ऑफ 2.5 ग्राम उग्राम एंड 1 किलो KGF। फिल्म शुरू होती तो फिल्म अच्छा खासा वर्ल्ड बिल्डअप करने के लिए समय लेता है। कितना समय लेता है गाइस, पूरा पिक्चर ही इसकी मां का। मैं बताता हूं कैसे। फिल्म के दौरान प्रशांत नील ने बड़ा ही प्यारा प्रभास एंड पृथ्वीराज की अच्छी खासी दोस्ती दिखाई, मतलब एक दूसरे के लिए खड़े रहना है, दुख आता है तो आके लड़ना है, ऐसा वैसा, एंड आपस में खड़े रहते हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन रियलिटी में देख लो, अगर मैं ही मेरा दुख मेरे दोस्त को सुनाऊं तो वो अपना दुख मेरे को सुना के मेरे दुख के साथ कंपटीशन कर लेता है, तो इसकी मां का उसके भरोसे क्या घंटा खड़ा रहूं? तो इसलिए मैं मेरा खड़ा रहता हूं, उसके भरोसे रहता हूं, मतलब मैं मेरे ही भरोसे रहता हूं। फिल्म 30 मिनट तक पहुंचती वर्ल्ड बिल्डअप करते हुए तो मैं देखता हूं कि अब प्रभास की एंट्री होगी, वो भी ग्रैंड होगी, आर पार गांड फाड़ देगा, सब कर देगा। तो फिर मैं देखता हूं कि 30 मिनट के बाद 20 मिनट तो प्रभास का पोर्टफोलियो चलता है। आई मीन 20 मिनट तक डायरेक्टर साहब ने प्रभास का ये एंगल दिखाया, ये एंगल दिखाया, कमर कैसा है देख लो, ये कैसा है देख लो, ये कैसा है देख लो, ये कैसा है देख लो। फाइनली कैसे भी करके पहला एक्शन सीक्वेंस आता है प्रभास का, जिसपे मालगाड़ी वाला BGM रवि बसरूर का चलते रहता है, एंड फिर ऐसा लगता है कि वही मालगाड़ी पकड़ के मैं घर पे निकल जाऊं। मतलब फिल्म का असली विलेन रवि बसरूर है, जिन्होंने इतना गंदा और इतना लाउड BGM दिया जो हर एक्शन सीक्वेंसेस से जान ही निकाल दिया। टू बी ऑनेस्ट, फिल्म में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो या तो हॉर्नी है या तो 0.75 मल्टीप्लाई स्पीड में ही बात करते, लाइक देवा को खत्म करना होगा, वर्धा के अंदर बाप का खून होना चाहिए। अरे भाई साहब, फिल्म बना रही है कोटे पे बुला रहे। फिर सेकंड हाफ में वापस कहानी का बिल्डअप चालू रहता है, फिर एक एक्शन सीक्वेंस आता है जहां पर प्रभास बच्ची को बचाता है, वो काली माता वाला सीन, वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट शॉट था, लेकिन उसका BGM बेकार ही था। फिल्म ने जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया था, मतलब आप अज्यूम कर ले रहेंगे कि हमें इतना सारा ग्रैंड एक्शन देखने मिलेगा, वो भी लेवल की स्टोरी देखने मिलेगी, लेकिन आपका एक्शन में भी इंटरेस्ट नहीं आ पाता, एंड स्टोरी तो छोड़ ही दो। अब देखो, एनिमल की तरह ये भी A सर्टिफिकेट फिल्म है, लेकिन सोचो, एनिमल में दिन में मारामारी होती है एंड सलार में रात में मुठमारी होती है। देखो, सलार की पूरी चैप्टर में आपको बताऊं, जब टीजर आया था तो हमें लगा ट्रेलर में बहुत कुछ दिखा देंगे, जब ट्रेलर आता है तो हमें लगा कि फिल्म में बहुत कुछ दिखा देंगे, जब आप फिल्म देखने लगते हो तो पूरा बिल्डअप में ही चला जाता है, एंड लास्ट में क्लाइमेक्स जब आता है तो आपको लगता है कि भाई साहब जो भी बहुत कुछ देख रहा है वो पार्ट 2 में ही देखने मिलेगा। क्लाइमेक्स लिटरली गर्म करके ठंडा छोड़ दिया था, एंड जाते आते आप कह दो कि ये क्या है। स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन की बात करूं तो ये पूरा वर्ल्ड KGF तक ही सूट करता था, एंड हम वहां पर सोचते थे कि यार ये KGF के लिए ही बनी है, यहां पर ये एक्साइटिंग लगता ही नहीं। आप बोलते हो कि नहीं यार, मैं कंपेयर कर करके थक जा रहा हूं और मेरे को ये मजा ही नहीं दे रहा है। चलो, परफॉर्मेंस की बात करो तो जैसे सलमान खान का रिकॉर्ड है कि एक एक्सप्रेशन में पूरी एक फिल्म कर डालना, वैसे ही प्रभास ने उस आर्ट और उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जहां पर उन्होंने एक ही एक्सप्रेशन में ये चौथी फिल्म कर दी आफ्टर साहो, राधे श्याम, आदि पुरुष एंड नाउ सलार। वही बाकी के कास्ट का काम यू डोंट केयर, ऐसा ही फील होता है क्योंकि कोई भी मार्क छोड़ता ही नहीं है। अब डायलॉग्स की बात करूं तो प्रभास के गिन चुन के 4 लाइन थे, एंड अगर पूरे पिक्चर में एक भी डायलॉग ढंग के मिल गए ना तो मैं सलार को देख के सलवार पहन के यही नाचूं। ओवरऑल सलार एक आलसी फिल्म है जिसको अगर आप KGF से कंपेयर करोगे तो कब्जा कहलाओगे, एंड उग्राम से करोगे तो उग्राम को मास्टरपीस कह जाओगे। यूट्यूब पर है, देख लेना। बाकी फिल्म को मैं दूंगा 2 स्टार, वो भी प्रभास पुराने फिल्मों के कंपेयर में यहां पर अच्छे लगते उसके लिए, एंड 2 एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे लगते उसके लिए। उसके अलावा फिल्म पूरी मेस नो डाउट। देखो, फिल्म तो बहुत कमाएगी नो डाउट, लेकिन अभी उसकी कमाई के जजमेंट से आप मेरे एक रिव्यू को जज मत करना कि देखा फिल्म तो इतना कमा दी। भाई, कमाई तो आदि पुरुष भी थी, डे 1 पे अच्छी, डे 2 पे अच्छी, तो यार उससे कंपेयर मत करो। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। बाकी मेरे को पता आप लोग नए गालियों एंड धमकियों के साथ तैयार हो, मैं वो खाने के लिए तैयार हूं। भाई, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं मांग भी नहीं रहा हूं। मिलते अगले वीडियो में, बाय।